नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नाकोटी प्रखंड कार्यालय स्थित विमर्श कक्ष में प्रखंड स्तरीय AFV खसरा एवं VPD कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों की इस कार्यशाला में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुकेश कुमार और डॉक्टर हिमांशु कुमार ने मुख्यतः 5 रोगों के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दी। पोलियो, खसरा, गलघोटू, कुकुर खांसी और टिटनेस। उन्होंने बताया कि भारत देश में वर्ष 2011 से पोलियो का भी कोई भी केस नहीं मिला है, परंतु कुछ पड़ोसी देशों एवं अफ्रीका महादेश में अभी भी पोलियो का संक्रमण जारी है। खसरा अभी भी हमारे देश में व्याप्त है, जिसे वर्ष 2023 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। AFP के बारे में बात करते हुए कहा कि पिछले 6 माह के दौरान 15 वर्ष तक का कोई भी बच्चा जिसका कोई भी अंग किसी भी कारण से अचानक लूंज पूंज अथवा कमजोर पड़ गया हो। खसरा एवं रूबेला के बारे में कहा कि पिछले 3 माह के दौरान किसी भी उम्र के बच्चे या व्यक्ति बुखार के साथ बदन दर्द और छोटे छोटे लाल दाने निकलते हों। गलघोटू के बारे में बताया कि बुखार के साथ आवाज में भारीपन, खांसी, गले में सूजन एवं गले के भीतरी भाग में सफ़ेद झिल्ली सा बन जाना और जो धीरे धीरे गले को बंद कर देता है। कुकुर खांसी के बारे में बताया कि अत्यधिक खांसी, लगातार खांसते हुए उल्टी कर देना और मुँह से लंबी खांस खींचते हुए करना या खांसी की अवधि 2 सप्ताह या उससे अधिक हो। टिटनेस के बारे में बताया कि कोई भी नवजात शिशु जन्म के दिन से सामान्य रूप से दूध पी रहा हो एवं रो रहा हो, परंतु उसे 28 दिनों के बीच बच्चा दूध नहीं पी रहा हो एवं पूरा शरीर अकर गया हो, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत संपर्क करें। इस अवसर पर जिला परिषद प्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा, ग्रामीण चिकित्सक मुबारक इस्माइल, प्रमोद कुमार, दिलीप कुमार, अनिल कुमार, स्वास्थ्य कर्मी कर्पूर चंद सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। नावकोटी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एक सप्ताह के अंदर अगर है तो उसका आप लोग क्या करते हैं, स्वैब और ब्लड, दोनों हम लोग क्या ले लेते हैं। एक सप्ताह से अगर ज्यादा है उनसे ब्लड ही, ब्लड का मतलब सीरम हम लोग सेपरेट करवा के उसको लैब भेजते हैं, उसमें भी वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आता है। हम लोग के जिला में कुछ कुछ जगह का पॉजिटिव आया है, जैसे मतियानी ब्लॉक में आ रहा है, आपका छोराही ब्लॉक में आया है, तो इसका भी रिपोर्टिंग सर करिएगा। इसमें प्रोत्साहन राशि भी है, जैसे रिपोर्ट आप लोग सर करिएगा तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपया है। तो पहले जो भी रिपोर्ट करते हैं सबका पता होगा, पहले कैश था अब लेकिन अकाउंट पे है।